एएमयू में कश्मीरी छात्रों का एसएसपी ने मांगा ब्यौरा, कैंपस में मचा भूचाल, छात्र बोले निजाता का हो रहा है हनन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा कश्मीरी छात्रों से उनकी पर्सनल जानकारी मामले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इससे कश्मीरी छात्र परेशान हैं। वहीं पुलिस का पत्र विश्वविद्यालय के समस्त विभागों के चेयरमैन और एडमिशन सेक्शन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र जारी किया गया, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का आरोप है कि एसएसपी द्वारा मांगी गई जानकारी के चलते उनके साथ में निजता का हनन किया जा रहा है। ये किस तरह के बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं और क्या मकसद लग रहा है? जी, पहली बात तो ये है कि ये मुझे 10-12 साल यहाँ मुझे भी हो गए हैं एनरोल, तो जैसे इंतजामिया से बात हुई था, उनने ये बोला कि हम पहले भी भरवाते हैं, तो मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। ठीक है, तो दूसरा, हमें पहले तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है क्यों ली जा रही है, वाई क्यों ले रही है, क्योंकि इस पे जो मेंशन है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जानी है, तो हम खुद इस बात से चिंतित हैं कि ये क्यों ली जा रही है इन्फॉर्मेशन। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे पहले क्या इस तरह की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, इसके पीछे क्या मंशा है? मंशा तो हम नहीं बता सकते, मंशा तो हमें या एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही वो बताएंगे, क्योंकि हमें खुद इस बात का नहीं बताया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों ली जा रही है। अगर हमें डिटेल में इसके बारे में बताते तो एटलीस्ट हम कुछ बोल पाते इसके बारे में कि क्यों ली जा रही है। और स्टूडेंट सारे वरीड हैं इस चीज़ को लेके कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या आपकी तफसीलात यूनिवर्सिटी निजामिया एडमिशन ब्लॉक पर नहीं है जो दोबारा ली जा रही है? एग्जैक्टली देखो, पहली चीज़ तो है कि स्टूडेंट्स की जितना भी डाटा है वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया के पास है, यूनिवर्सिटी कंट्रोलर के पास है, इनफैक्ट के DSW के पास है, तो स्टिल उस लेटर को स्टूडेंट के पास भेजना स्टूडेंट के उस पर, तो ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि पहले तो ये इन्फॉर्मेशन राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रही है। ठीक है, अगर ऐसी डिटेल उसके फ़ोन नंबर भी लिए जा रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी देना चाहे तो वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी दे सकती है, लेकिन स्टूडेंट को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं तो इसका ये समझ नहीं आ रही हमें। आपको बता दूँ कि ये एक लेटर हमारे पास आया था 12/11/2022 को, और उसके बाद में पहला जो लेटर आया है वो हमारे पास 12/11/2022 को, उसके बाद में एक रिमाइंडर भी आया है। उसमें सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि हमसे पूरी यूनिवर्सिटी में कुल टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं, कश्मीर के कितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक परफॉर्मा दिया कि इस परफॉर्मा के ऊपर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दीजिए। ये लेटर आया है पुलिस अधीक्षक प्रज्ञान अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सिग्नेचर से, और एक दूसरा सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ कश्मीर के या दूसरे लड़कों के बारे में आया है, बल्कि जो हमारे और दूसरे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के यहाँ के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसी पैटर्न में तकरीबन उनके बारे में भी ये डिटेल इंफॉर्मेशन मांगी गई है, और ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली डेटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन कहलाती है जो यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल रहती है, वो तकरीबन हर साल ये जाती है। और उन्होंने लिखा भी है कि इस कार्यालय को अभिलेखीकरण हेतु आवश्यकता है, मीनिंग देयर बाई दैट फॉर मेंटेनिंग दैट डेटा या डॉक्यूमेंट दिस टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, देयर फॉर एवरी ईयर वी प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के हों, बल्कि टोटल नंबर आप देखो लिखा हुआ है इसमें आपको मैं कि एमी में कुल छात्रों की संख्या योम जम्मू कश्मीर प्रांत के, एक तो ये लेटर है, दूसरा लेटर है जिसमें ये है कि सब और तमाम स्टेट के बारे में लिखा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर और किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है और जिसको मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है, क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है, इसमें कोई घबराने की बात यूनिवर्सिटी निज़ामिया के पास तमाम तफसीलात तलबा की रहती है, तो फिर इस तरह के लेटर शाया क्यों हुआ? नहीं देखिए, ऐसा है, ये कंट्रोलर ऑफिस को हमने भेजा था, क्योंकि जो लेटेस्ट या अपडेट इन्फॉर्मेशन जो होती है स्टूडेंट के बारे में कि 2022-23 में कितने स्टूडेंट हैं, उनकी तादाद क्या है, ये कंट्रोलर ऑफिस में होती है। हमने सिर्फ कंट्रोलर को लिखा था, उनको लिखा था फॉरवर्डेड टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन विद द रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन एज मेंशन्ड अबव। अब इन्होंने बाकी क्यों वहाँ भेज दिया इसके बारे में तो कंट्रोलर साहब से अभी हमारी बात नहीं हो पाई, रात में हमने फ़ोन किया था लेकिन बात नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से उस लेटर की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिस लेटर को
फैसल वारिस साहब ने अपने सिग्नेचर से भेजा है और मैं उसके बारे में कंट्रोलर साहब से बात करूँ। 24 तारीख में लड़ाई हुई थी कश्मीर तालिबान से, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो पहले का लेटर है 12-11 और इसका उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो एक डेटा बेस इंफॉर्मेशन मैंने कहा नहीं कि हर साल जाती है और तमाम स्टूडेंट के बारे में जाती है और इस चूँकि जम्मू कश्मीर है नॉर्थ ईस्ट से एक स्पेशल स्टेट्स अब तक के माने गए हैं तो इसलिए उनके तो उनके बारे में ख़ास तौर से मांगते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए ताकि कोई कभी कोई बात हो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी उनके वेलबींग वेलफेयर स्कीम तमाम सारी चीज़ें होती हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को इन सारी चीज़ों की जानकारी हो। चूँकि ये पुलिस डिपार्टमेंट से आया है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि भाई उनके पास पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए और इसी पर्पस से वो उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को मांगा और हम देते हैं।